बॉलीवुड अदाकारा माधुरी दीक्षित और बधाई हो फी गजराज राव की फिल्म माजामा ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। यह मूवी बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित को एक जटिल और निडर अवतार में पेश करने की एक कोशिश है। इस फैमिली एंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री के अनुभवी और साथ साथ कई नए चेहरों को देखा जा सकता है। फिल्म की कहानी एक खुशमिजाज महिला पल्लवी यानी माधुरी दीक्षित के इर्द गिर्द घूमती है। मिडिल क्लास फैमिली और जिस समाज में वह रहती है वह उसकी ताकत है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है एक जिंदगी जिसे उसने इतने प्यार से सजोया वो बिखरने लगती है। उसके बेटे की सगाई खतरे में पड़ जाती है। अपनी बेटी की सगाई बचाने के लिए वह समझ और विश्वास से काम लेती है। पल्लवी और उसका परिवार इस उथल पुथल से कैसे निपटेगा? क्या इससे परिवार के सदस्य करीब आ पाएंगे या नया रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा? इसी पर ये फिल्म केंद्रित है। आनंद तिवारी द्वारा निर्देशित और सुमित बधेजा द्वारा लिखित फिल्म मजा में परिवार का तनाव है तो पीढ़ियों का अंतर, समलैंगिकता की बातें हैं, LGBTQIA+ का एजेंडा, सेक्स पर भी चर्चा की गई है। US में नौकरी करने वाला तेजस यानी ऋत्विक भौमिक वहाँ के बेहद रसूखदार हंसराज दंपत्ति रजत कपूर और शिवा चड्ढा की बेटी ईशा से प्यार कर बैठता है और वह उससे शादी करना चाहता है। ईशा के पिता तेजस का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं कि वह उसकी बेटी से लालच में तो शादी नहीं कर रहा है। तेजस के परिवार में उसकी माँ पल्लवी डांस सिखाती है, पिता मनोहर अपनी सोसाइटी में प्रेसिडेंट है और बहन तारा एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बेटी की सगाई के बीच तेजस की माँ यानी पल्लवी पटेल एक वीडियो में अपनी बेटी पर गुस्से में चिल्लाते हुए कह रही हैं कि हाँ मैं लेस्बियन हूँ और यहीं से सारा खेल खराब हो जाता है। उसके बेटे की सगाई खतरे में पड़ जाती है। बेटी समलैंगिकों पर शोध कर रही है। फिल्म में एक सामाजिक मुद्दा जरूर उठाया गया है लेकिन उसका सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। कहानी कच्ची है, कमजोर कैरेक्टराइजेशन है और खराब स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग को मिलाकर बनाई गई यह फिल्म कुल मिलाकर के दर्शकों को निराश करती है।